सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है ना बेटा, सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। आज मैं आप सबको फिर एक बार मात्रा अलग करो करना सिखाऊंगी। कुछ बच्चे छोटी की मात्रा वाले शब्द से मात्रा अलग करते समय पहले मात्रा लगा देते हैं। मैं बार बार बताती हूँ बेटा, पहले अक्षर लिखते हैं फिर मात्रा लगाएंगे। चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ, आप सब ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ मात्रा अलग करेंगे। नंबर वन, तैराक। तो मैंने कहा था पहले क्या लिखेंगे, अक्षर। देखिए यहाँ क्या है, तो प्लस ए की मात्रा प्लस रो प्लस आ की मात्रा प्लस को, तैराक। नंबर टू में देखिए चिड़िया। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहले मैंने कहा था अक्षर पहले लिखेंगे, मात्रा बाद में लगाएंगे। चौ प्लस छोटी की मात्रा प्लस डो प्लस छोटी की मात्रा प्लस यो प्लस आ की मात्रा। नंबर थ्री, डलिया। डो प्लस लो प्लस छोटी की मात्रा प्लस य प्लस आ की मात्रा, डलिया। नंबर फोर देखिए, जंगल है। ज प्लस बिंदु प्लस ग प्लस ल, जंगल। नंबर फाइव, मछली। म प्लस छ प्लस ल प्लस बड़ी की मात्रा, मछली। मैं फिर एक बार बोल दे रही हूँ, तैराक। तो प्लस ए की मात्रा प्लस र प्लस आ की मात्रा प्लस क, तैराक। नंबर टू, चिड़िया। च प्लस छोटी की मात्रा प्लस ड प्लस छोटी की मात्रा प्लस य प्लस आ की मात्रा, चिड़िया। नंबर थ्री, डलिया। ड प्लस ल प्लस छोटी की मात्रा प्लस य प्लस आ की मात्रा। नंबर फोर, जंगल। ज प्लस बिंदु प्लस ग प्लस ल, जंगल। नंबर फाइव, मछली। म प्लस छ प्लस ल प्लस बड़ी की मात्रा, मछली। बेटा ये तो मैंने मात्रा अलग करो बताया, अब मैं आप लोगों को बोलियां मिलान करके बताऊंगी। मनुष्य की आवाज़ की तरह पशु पक्षियों की भी अलग अलग आवाज़ें होती हैं, जिसे हम लोग बोलियां कहते हैं। कोई भी जानवर अगर बोलता है तो उसकी आवाज़ सुनते हैं हम लोग। जैसे गाय बोलती है तो हम लोग बोलते हैं गाय बोलती है, तो गाय की आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रंभाना। ठीक है बेटा, उसी प्रकार अगर शेर बोलता है तो शेर की आवाज़ हम लोग क्या कहते हैं, दहाड़ना। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ चित्र लगाए हैं और मैं यहाँ उनकी आवाज़ें यानी कि बोलियाँ भी लिख रखी है। अब मैं एक एक जानवर के चित्र दिखाऊंगी और उसके साथ उसकी आवाज़ को मिलाऊंगी। आप सब ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ मिलाएंगे भी। नंबर वन, ये क्या है बेटा बताइए, कौन सा जानवर है, शेर। शेर की आवाज़ को क्या कहते हैं, दहाड़ना। नंबर वन यहाँ दहाड़ना में लगाएंगे, ठीक है। अब नंबर टू में देखिए, ये कौन सा है, क्या है ये बेटा, ये कोई जानवर है नहीं, ये तो क्या है, ये मक्खी है। मक्खी की आवाज़ कैसी होती है, मक्खी कैसे बोलती है, भिन भिन, यानी कि मक्खी की आवाज़ को क्या कहते हैं, भिन भिन ना।
तो नंबर टू लगाएंगे भिन भिन आना। नंबर थ्री, ये देखिए कौन सा जानवर है, घोड़ा। घोड़े की आवाज़ कैसी होती है, वो कैसे बोलता है, हिन हिन आना। तो यहाँ लगाएंगे नंबर थ्री। नंबर फोर में यहाँ देखिए ये कौन सा जानवर है, हाथी। हाथी की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, चिंघाड़ना। यहाँ लगाएंगे नंबर फोर। नंबर फाइव में यहाँ देखिए कौन सा जानवर है, ये बंदर है। ये पेड़ से देखिए कैसे उल्टा लटका हुआ है, तो बंदर की आवाज़ कैसी होती है, क्या कहते हैं बंदर की आवाज़ को, खो खो। तो नंबर फाइव में लगाएंगे खो खो। चलिए फिर एक बार बता रही हूँ, शेर दहाड़ना, मक्खी भिन भिन आना, घोड़ा हिन हिन आना, हाथी चिंघाड़ना, बंदर खो खो। आप सब समझ गए होंगे बेटा, इसे आप लोग हिंदी की कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखकर याद करेंगे। एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।